नमस्कार, आपने सॉल्यूशन टॉक्स को सुनना चुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज आप हमारी बातचीत एक विशेष व्यक्ति सृजनपाल सिंह सर के साथ सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत आप पूरी सुनेंगे। ऐसा करने से उनको बेहतर जानने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और समझने की कोशिश ना की हो। मेरा नाम अभिलाष है और आप ये देख पा रहे हैं मेरी वीडियो प्रोडक्शन टीम रंजन, निहाल, सौरव, विनायक और नीरज की वजह से। तो हम लोग सर के बारे में जानने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यू वर बॉर्न इन लखनऊ, दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम। एंड ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे फैसिनेशंस होते हैं और हमारे फैसिनेशन ही हमारे एम्बिशन बन जाते हैं। लाइक आई वॉज फैसिनेटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। जब भी कोई टीचर पूछते थे वॉट इज योर एम्बिशन, आई सेड आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। सो वॉट वेर यू फैसिनेटेड विथ ड्यूरिंग यूर स्कूल डेज, और ये फैसिनेशंस कितने चेंज होते रहते थे आपके लिए, आई मीन अक्रॉस योर स्कूल लाइफ? सो एज यू अभिलाष राइटली पॉइंटेड आउट, चेंजेस होते हैं। फैसिनेशन मतलब नाउ दैट आई वर्क बच्चों की ड्रीम के ऊपर, बच्चों के सपने कैसे बढ़ाए जाएँ। बच्चे उन चीज़ों से सपने देखते हैं जो उनको आसपास अपने एक्सपोजर होता है जिन चीज़ों से। सो मेरा एक्सपोजर जैसे जैसे अलग अलग चीज़ों से हुआ, बचपन में मेरे भी सपने बदलते रहे। लखनऊ में सबसे पहले हम लोग सड़क से जब जाते थे तो रिक्शे में जाते थे, उस ज़माने में सभी रिक्शे से जाते थे। तो आई यूज़ टू गो टू लामाटनिया। अच्छा, इट्स अ स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल होगा। इतना बड़ा स्कूल है वो, अब करीब 170-180 साल पुराना स्कूल है। अराउंड दैट पॉइंट, मेरे टाइम पे 150 साल हमने मनाए थे स्कूल बनने के। बिल्डिंग तो 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सो एक रास्ते में जब हम लोग जाते थे तो डीएम का घर पड़ता था। सो किसने मेरे को बोल दिया कि डीएम को एक घोड़ा मिलता है, है ना? सो एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय हॉर्सेस। अब 4-5 साल की तो आई वांटेड टू बी अ डीएम। सबसे पहले मेरे को डीएम, तो सिविल सर्विसेज तो पता नहीं था, आईएएस क्या होता है, बट फर्स्ट थिंग वॉज दिस। देन इन अ पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई स्टार्टेड पिकिंग अप अ स्पोर्ट्स कॉल चेस, एंड आई प्लेड क्वाइट राइट अप टू अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। आई प्लेड एट अ यंग किड, आई वॉज प्लेइंग सीनियर्स। सो आई वॉज आई हैड एन एम्बिशन टू बिकम अ चेस प्लेयर। तो विश्वनाथ आनंद बिकेम लाइक उस समय के, एंड द बीएनयू बरुआ यूज टू बी लेजेंड्स एट दैट टाइम। एंड देन आई थिंक एवरी सिंगल चाइल्ड एट सम पॉइंट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ वॉन्टेड टू बिकम अ पायलट, बिकॉज इट्स ऑसम। आप जब पहली बार एयरप्लेन में बैठते हो जिंदगी में तो आप पायलट ही बनना चाहते हो उसके बाद अगले 2-3 साल तक। एंड देन ऑफकोर्स एज यू ग्रो यू लर्न अबाउट थिंग्स विच गो बियॉन्ड द स्काईज इन टू द स्पेस। सो अ लॉट ऑफ अस वॉन्ट टू बी एस्ट्रोनॉट्स। सो दैट्स बीन द सर्कल ऑफ लाइफ। ऑफकोर्स सपने होते हैं एक समय तक, फिर सपने करियर में बदल जाते हैं और कभी कभी उसी में कहीं उलझ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और ऑफकोर्स व्हेन आई गेट आउट ऑफ कॉलेज, व्हेन आई स्कूल रादर, व्हेन आई गॉट आउट ऑफ इट आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग लाइक एवरीबॉडी एल्स डज। लाइक आई मीन ऑल द फैसिनेशंस जो अभी तक आपने बोले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे आया फिर? बाय एक्सीडेंट आया, आई डोंट थिंक इट वॉज अ चॉइस। आई थिंक एंड दैट्स वन लेसन आई हैव लर्नड इन लाइफ, लेट्स से थ्रू द हार्ड वे, बट आई एम नॉट अलोन। आई थिंक मेनी children of my generation, even your generation, would have gone through this, where we chose things to do because we felt or we were told that those were comfortable and safe options. वो ज़माना जब हम लोग 90s में grow कर रहे थे, वो ऐसा ज़माना था जब I think India just liberalized हुआ था, सरकारी jobs हुआ करती थी, the only way to get into a good career was to get through a sarkari job, and then 90s mein liberalization hota hai and suddenly private jobs are coming up. So by the time I get out of school, which is 2001-2 something like that, you're still hunting for a safe career in life, and engineering used to be the safe option, medical was the other safe option. So aap PCM loge to engineering karoge, PCB loge to aap medicine karoge, and so on. So that was the time. So I think everybody was more or less aligned into JEE, and that was the only career path. But then of course electrical engineering also happened because of the counseling, right? So not that I chose to be an electrical engineer, right. Part of it was my dad is also an electrical engineer, right, so so a bit of connection is there, but I don't think I made a very conscious choice, right. If I look back in my history, maybe I should have done something else. So I mean, what I was amused by is jaise La Martin Martinia, if that's how it's pronounced, college, that's where you studied.
That's a school, actually. It's written. That's a school, of course. I mean, it's written that way. So how did this state government, you know, engineering college, because were you very satisfied with going to IIT Lucknow, or did you also plan to, you know, that exposure? What was the kind of exposure back then? What was the reputation of IIT for a school child's, you know, perception? Because we also try to move to places where we feel that it's more. Honestly, the truth is that IIT had a great reputation. IIT was close to my home. Mm-hmm. Back then, you also factored those choices in. Yeah. And it was still the number one college in Lucknow, for sure. Yes. And one of the best colleges of in course. UP. And it was cheap. It was very cheap to study there. Right. Cheap as in economically. You don't have to be straining yourself. उस समय शायद कुछ ऐसा हुआ था, आई रिमेम्बर नाउ दैट यू आर सेइंग, अब रिकॉल करना पड़ रहा है कि आधी सीटें पेड कर दी गई थी और आधी सीटें फ्री थी. तो जो फ्री सीटें थी वो एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज थी पेड सीट से. सो जो पेड सीट होती थी शायद उनकी फीस 10-12 गुनी होती होगी फ्री सीट की. आई डिड माई एंटायर इंजीनियरिंग इन लाइक 40,000 टू समथिंग 4 years, ठीक है. बट द पेड सीट वॉज आई थिंक कॉस्टिंग लाइक 1.5 lakh रुपीज अ ईयर, समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स द डिफरेंशियल. So it was relatively low cost to I got a free seat on electrical. Maybe if I did a paid seat, I would have got somewhere else. But then yeah. I don't think I didn't want to strain my parents. I thought it made more sense to. So as a boy just out of school, you were quite okay or comfortable with the idea of, you know, pursuing your engineering at IIT. Yes, probably comfortable in the sense. I don't think I was that clear in. What all were the options? Those were not the days when you were clear about your options. Right. I didn't know that you could pursue psychology or something else, and that, mm-hmm. that was not happening. Mm-hmm. I'm taking you back 20 years in time, mm-hmm. and that was not the India of or Lucknow of today, mm-hmm. where children have far more. I mean, now I operate schools and I know children know everything. Mm-hmm. They know so many options, right. And parents are also open to it. But back then, the options were limited. We're still liberalizing. And I think engineering used to be the safe choice. Of course, you did get jobs. And IIT had 100% placement anyways. So, उस समय यही देख करके आदमी college लेता था. तो आज भी अगर लोग ये देखते हैं कि placement देख करके college लेते हैं, मेरे को पूरा नोएडा हाईवे पे placement के yard लगे हुए हैं. I realize why. Because at that age, this is what you see. It's only when you get into the system and you get out of the system, actually, you wonder and look back and see कि was this क्या यही पैमाना मुझे देखना चाहिए था, है ना? तो कॉलेज में लाइक यू मेंशन्ड अबाउट चेस, सो लाइक डिड इट कंटिन्यू, डिड अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज कंटिन्यू इन कॉलेज, और व्हाट वाज सृजनपाल सिंह इन कॉलेज? कॉलेज में सृजनपाल सिंह कैसे थे? वाज इट मोर इनटू एकेडमिक्स फोकस देयर? हाउ वाज इट? यू मीन लाइक माय बीटेक? यस, योर आईआईटी. आई थिंक आई वाज अ डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वाज डूइंग समथिंग व्हिच आई वाजंट श्योर व्हाई आई एम डूइंग. So I had a very low attendance. Like millions in our country. Yeah, I had a very, very low attendance. I mean, it was a borderline secure zone. So I was in insecure zone mein rehta tha, in the attendance front. So I had to somehow figure out, manage my way through. Uh-huh. And first year, I hardly would have attended college. Or second year, third year, maybe koi aisa zyada nahi hoga. But I was fairly popular when I used to go. So partly because I was local, partly because I was also setting up their training and placement division back then. Okay. So I took up the lead when I was in third year to set up a placement facility and students leading that front. But otherwise, I don't think I was that regular in school or college rather. Mm-hmm. And but I got good marks. And marks I managed. When did you discover there's an examination called CAT and that's your a good interest towards CAT, ki haan, ye exam deke, you know, I can... See, I don't know whether I'm disappointing you guys, okay? Because I seem to be, but I'm being honest. See, the idea is to be honest. Right. I can give you, you know, really fairy tales and polished up stuff that I was the awesome engineering student. Though I did try to make robots and all, I participated in many events, but going to college was not my forte. So I don't want to encourage you to do that. That's not a good thing to do. You should not repeat my mistakes. But coming to your question of CAT, see, when I was in fourth year, I was fairly active because I was handling the trading thing and the placement thing for everybody. And I was participating in a lot of events. I got an inclination for robotics and so on. But
आई यूज टू फाइंड दी स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर का एंड होगा या फोर्थ ईयर का स्टार्ट होगा, समवेयर अराउंड दैट पीरियड, एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश फिक्शन, लाइक चार्ल्स डिकेंस. आई एम लाइक, व्हाई आर यू रीडिंग चार्ल्स डिकेंस? उस वक्त तक आपने इंग्लिश फिक्शन बहुत नहीं, मैं तो फिक्शन वैसे भी कम ही पढ़ता था, अभी भी कम ही पढ़ता हूँ. आई एम ए नॉन फिक्शन रीडर, सो आई एम स्टिल दैट वे. बट सी, इट वॉज ऑड दैट सडनली एवरीबडी इज कैरिंग अ फिक्शन बुक, अ फैक्ट फिक्शन बुक. Very strange. Sudden metamorphosis. What is happening? Why is these people suddenly, instead of reading placement related information, you know, because that's what you do, you brush up your skills, there's an interview, TCS, this, that. अभी ये लोग क्या कर रहे हैं यार? ये अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं, वो लिटरेचर वाली बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें. कोई शेक्सपियर पढ़ रहा है, कोई डिकिंस पढ़ रहा है. सो आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन टू दैट एंड आई हैव रेड देम, बट द पॉइंट इज सडनली ये फैड कहाँ से आ गया? सो द आस्क्ड दिस गाय that I remember his name, but I'll not tell you. So this guy, I asked him, and he used to carry this wo jacket tha na, jisme side se aise karke pocket hoti hai, to uske pocket mein aise karke kitab rakhi hoti thi, ye hamesha English wali. And he was sitting for an interview which I was coordinating. I asked him, ye kya padh rahe ho tum? To kyon padh rahe ho, matlab isse kya acha lag raha hai? So he said, nahi, mereko acha kuch nahi lag raha hai, main isko cat ke liye padh raha hu. To abhi That's when I heard of CAT, to be honest. उसके पहले आपने कभी CAT का नाम नहीं सुना था कि MBA कुछ होता है, लेकिन इतना नहीं सुना था. अगेन आई एम टेकिंग यू 20 ईयर्स बैक और एटलीस्ट नाउ 15 ईयर्स, है ना? सो इतना एक्सपोजर नहीं होता था, और शायद मैंने भी इतनी मेहनत नहीं करी होगी. तो मैं फिर इनको देखा मैंने कि ये लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तो और कई लोग थे, 8-10 बच्चे थे ऐसे, और ये कोचिंग जाते थे. तो 2-3 कोचिंग लखनऊ में बहुत हिट हो गई थी. एक तो वहाँ लोकल कोचिंग थी, एक दो नेशनल ब्रांड्स थी, वेरी हिट. एंड वो उसी की किताबें कोई पढ़ रहा है, कोई डिकेंस पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कहते हम आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो मैंने कहा मतलब रीडिंग वेरी गाइस वेरी गुड, कैट देना है, कैट में आरसी आता है. एंड दैट इज व्हेन आई थिंक द होल बैच वाज टर्निंग इनटू दिस टाइड कि अब सबको बीटेक के बाद एमबीए करना है. सबको हो रहा था, ये जो मेरे को हो रहा था वो सबको हो रहा था. कुछ थोड़े आगे थे, कुछ थोड़े पीछे थे. सो दैट इज व्हेन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, व्हेन द प्लेसमेंट्स हैड जस्ट स्टार्टेड, I saw these guys doing this, and then I was like, "Acha, ये CAT भी कुछ होता है." Then I went to a bookstore. तो वो bookstore पे देखा. अच्छा, Universal bookstore? हाँ, I don't remember. Probably, maybe, I don't remember. Probably Universal. सभी लोग वहीं जाते थे. उस ज़माने में that was the alpha omega. Internet पे ज़्यादा information होती नहीं थी तब. तो उस समय तो बहुत ही screechy internet होता था. वो भी सत्यम वाला वो connection लगा, वो बहुत धीमे चलता था. So then I went, I saw this book, I think Arun karke, there's some guy, Arun, there's an author anyway, his name starts with Arun, I can't find the surname, pretty famous, even now I see his posters, okay, black color ki ek itni badi si book aati thi, black color ki itni moti, usme likha tha how to crack cat, to wo kitab maine li, to wo pehli baar, first time I realized ki ye to I think I can manage it, matlab it seems like manageable to me. That's so again the fad was catching up, and then everybody is joining a coaching, so I also joined a coaching, college aur ghar ke beech mein coaching thi, and I realized I can't do this, it's too much, because I can only focus on either I can do my own preparation or I can do this coaching preparation. Theek hai, because I have to still go to college, attendance minimum to puri karni padegi na. So then I went to this place, I said abhi nahi karna, I was coaching, ek din bunk mara, phir 3 din, 4 din, 5 din, phir hafta hafta gaya, phir I barely used to go, but then I used to do my self study. By then I had got a grasp ki ye kiya ja sakta hai, matlab sab kar rahe hain, main bhi kar sakta hu aur acha kar sakta hu. I started coaching ka test deta tha main tab, unke national test series hoti thi, and I was topping it, like nationally I was topping it. So I had lot of confidence. जो पहली बार मैं number one पे नाम एकदम से आ गया, मैंने कहा अरे मैं celebrity बन गया मैं तो रातों रात. Your father always used to agree with your choices of going. I don't think there was ever a disagreement with. I made weird choices in life, crazy choices in life, and this one is easy actually. Subsequently, I made crazier choices. I don't think I ever faced an opposition. I still don't. I mean that's what it is. I think that trust I always had, है ना? So anyway, so that's how CAT happened. अभी वो एक निकल गया, और CAT आया. I think it was 99.8 something, 85 or something. Actually, when did you discover कि ये percentile क्या चीज होती है? नहीं, ये तो समझ गया था क्योंकि CAT के question में आता था वो.
तो परसेंटाइल, तो परसेंटाइल तो आपने 12th में ही पढ़ी होगी ना, परसेंटाइल तो इज पार्ट ऑफ योर, इफ स्टूडेंट स्टडीइंग मैथ्स आर कॉन्शियस एनफ. नो दैट्स नॉट ट्रू. आई मीन या, बट सी आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग. इफ आई हैव स्टडीड समथिंग आई विल रिमेंबर. तो अभी मेरे को किरचॉफ्स लॉ याद है. ओके, सो आई रिमेंबर क्या होता है. आई रिमेंबर माय ज्योग्राफी, आई रिमेंबर माय हिस्ट्री, ऑल दैट स्टफ आई रिमेंबर. बट या, सो आई प्रीटी मच न्यू व्हाट परसेंटाइल वाज एंड so quartiles and percentiles and medians, all that stuff though we knew. But yeah, so CAT happened, of course, got through in the first attempt and then went to... So, I mean, correct me if I'm wrong, 2002 to 2006 is your BTEC, 2007 to 2009 is your IIM Ahmedabad. So was there like a, you took a drop and then you appeared? No, I actually worked for an internship. For about, okay, so, and what was it about? Like, it was in finance something, right? Okay. So that was, I got through TCS. I didn't join that. Okay. So what was like? And there was a period when I was not well as well for for a brief period of time. Mm-hmm. I was not very well, so I had to do that. So like, I cracked a CAT in 2006, not 7. Okay. But then I had to defer it because of the illness, and then I had to go in 7. So that also happens in life. Because at that time, there was no these, you know, YouTube videos of university campus tours and this and that. So what was your imagination of IIM Ahmedabad? Did you read about it before going there, or was it like, it's my course, I'll go, I'll explore? No, I think IIM is very good at marketing as well. And everybody knew IIM. It was a big, big, huge brand, IIM Ahmedabad. And I remember, you know, they used to send you that videos. You know, there's a video which they had produced, like an intro video. Okay. So they sent it and it had a beautiful song. I still remember that song. And it showed the campus life. Mm-hmm. And then there was something called Yahoo groups back then. Okay. So they would connect the entire batch with Yahoo groups. So I was connected with the 2006 batch and then the 2007 batch because right. I had to defer it. Right. So I connected with all these people. People used to talk to each other. They used to discuss their plans. There's anxiety. See, when you first time, I'm going out of home for the first time, and then there's anxiety of moving out of home and so on. But I think IIM Ahmedabad does a great job of A, placating those fears, and B, also in inspiring you that you are part of a big deal. You know, you're part of a big story. So that's what they do, and of course, they have the firepower to do that. So how are you like, you know, so when someone goes to college, koi bhi bachcha college aata hai, there are some things that they are inclined towards, they like to do. And when they get an opportunity at such premium institutions that you can do this at great scale here. So there are two, three things. One is your academic also, and what I've heard from my, you know, acquaintances at IIM, so my friends at IIM, that they always keep you at toes, be it your assignments, be it late night, you know, seniors throwing in something that you have to do and you have to complete it, always at your toes. How did it happen through your first initial, you know, few months at IIM? The first week at IIM Ahmedabad is the toughest week of your life. Mm. Because we all come in a very different mindset. We come with a mindset that in class you will be taught a lesson, some theory, and then you'll have to do an exercise around that theory. Mm. In IIM it's ulta. You're given everything. Mm. Theory though will not teach you. You come pre-read, you have to prepare for the class. In the class, there will be a problem on which that theory will be applied. So, the groundwork of going through the theory is your problem. Of course, if there's some confusion, it will be clarified in the class. But it's a very different method of study, which is case study method. Dusri baat kya hoti hai, har aadmi kahin ka topper hai. Hai na, bahut sare, koi IIT ka topper hota tha, koi iska topper, is board ka, us board ka. So, everybody comes from the angle of winning. They've been toppers all their life. But in a classroom setting where all the toppers are sitting, there will be one topper who will be at the last. Mm. So it becomes a very depressing environment for those kind of people who've never seen anything beyond first position in life. Any inferiority complex in your initial, anything coming from Lucknow, maybe anything? Dekho yaar, inferiority is a complex hote hai na, ye jitna log hai utna hi lagega. ये अपनी चॉइस होती है. आप सोचोगे कि मैं छोटे शहर से हूँ, ये सब बड़े शहर से हैं, तो लगेंगे वो बड़े शहर के. आप सोचो शहर का होना चाहते हो, एस्पिरेशनल हो, तो शायद ये होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और बात आईएम की नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि छोटे शहर के जो लोग होते हैं, मतलब बाराबंकी का कोई आदमी है तो बोलेगा मैं लखनऊ का हूँ. कोई अगर
मान लीजिए मेरठ का है तो बोलेगा मैं दिल्ली का हूँ, ऐसा होता था, लेकिन बाद में लोग खुल गए, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि हम इन्फीरियोरिटी और ये सब कॉम्प्लेक्स जो होता है ये तब होता है जब आप उसको होने देते हो। दुनिया में अधिकतर चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं, इट्स बाय चॉइस। आप बोलो बेधड़क, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है अगर आप मेरठ से हो तो। भाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई वहाँ से चालू हुई है, आप लखनऊ से हो तो क्या बुराई है। लखनऊ तो दुनिया के बड़े 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 शहरों में एक था टिल 1900, तो अंग्रेजों ने उसको छोटा कर दिया बिकॉज वी आर फाइटिंग वॉर्स अगेंस्ट देम, तो ऐसा हुआ। तो हर शहर की, हर सभ्यता की, हर समाज की, हर व्यक्ति की पीछे एक बड़ा इतिहास है जिसमें बहुत संघर्ष है। और उस संघर्ष से जब आप अवगत नहीं होते हो, जब आपको पता नहीं होता है, अगर आपको अपने शहर के बारे में पता नहीं है ना, तभी आपको लगेगा कि आप इन्फीरियर हो। हर शहर की, भारत जैसे देश में तो हर शहर की कहानी है, हर गांव की कहानी है। तो आप वो कहानी लेके चलो ना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल डू दिस, एक्चुअली अभी भी लोग करते हैं शायद, बट इसमें कोई ग्लोरी नहीं है, इसमें कोई मजा भी नहीं है, बाद में तो एक्सपोज हो ही जाओगे। तो तब सब तब आप एक्चुअल इन्फीरियोरिटी तब आती है जब लोगों को पता लग जाएगा कि आप छुपा रहे थे। और इसमें क्या छुपाने की बात है, आपको तो एकदम और बोलना चाहिए कि देखो मैं तो ऐसी जगह से आया, आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। ओनली व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑल ऑफ दिस हिट्स यू। सो ये सब इन्फीरियोरिटी तो आई डोंट थिंक आई हैव हैड दिस इन्फीरियोरिटी, आई होप नोबडी हैज इट एंड नोबडी शुड हैव इट। लेकिन आजकल मुझे दिखता है, अभी भी दिखता है, जैसे गाँव से जो बच्चे आते हैं मिलने आते हैं, तो एक वो होता है कि मैं तो गांव से हूँ, ये बड़े अभी मैं वहाँ गया था कोकराझार, असम में है कोकराझार, उसमें भी एकदम छोटे से गांव गया था, वो बच्चे कह रहे थे हाउ विल वी कम्पीट, छोटे बच्चे हैं ये, होंगे 8वीं 9वीं में, बोले हाउ विल वी कम्पीट विद चिल्ड्रेन हु आर इन दिल्ली और बॉम्बे व्हाटएवर, है ना। अब वो इंप्रेशन ये बन जाता है कि दिल्ली के बच्चों के पास सब सुविधाएँ हैं, दिल्ली के या बॉम्बे के बच्चे के पास बिजली है, लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, तुम्हारे पास नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा इन्फीरियोरिटी जिन लोगों को नीचे दिखाने का काम ये भाषा ने कर दिया है। और हमने भाषा को, अपनी भाषा को ही नीचे रखा है, है ना। अभी अंग्रेजी में बोलूँगा मैं तो सुनेंगे लोग, हिंदी में बोलूँगा तो नहीं सुनेंगे, लगेगा ये तो हमारे जैसा ही है ना। तो ये जो है तो उनको मैंने बोला कि अगर दिल्ली के बच्चों के पास सुविधाएँ हैं तो उनके पास वो भी सुविधाएँ हैं जिससे वो समय बर्बाद करते हैं, है ना। तो इसलिए इन्फीरियोरिटी की बात क्या है, डॉक्टर कलाम तो छोटे से गांव से आए थे, एकदम रामेश्वरम से, रामेश्वरम भी छोटी सी जगह से आए थे, है ना। कौन भारत में किस प्रधानमंत्री का जो है जन्म, अधिकतर प्रधानमंत्री छोटी छोटी जगहों से आए हैं, अधिकतर राष्ट्रपति छोटी छोटी जगहों से आए हैं, इसरो के चीफ अधिकतर छोटे छोटे कॉलेजेस से आए हैं। भाई कितने बड़े कॉलेज के लोग, कौन सा हार्वर्ड का आदमी इसरो का चीफ बन गया, नहीं बना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता, छोटे शहरों से जो लोग आते हैं उनमें बड़े संघर्ष करने की ज्यादा क्षमता होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट उनका नाम लिया है, सो व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू स्पीक टू अ फ्यू ऑफ योर बैचमेट्स एट आईआईएम अहमदाबाद, आई फिगर्ड आउट दैट द क्रेडिट ऑफ हैविंग डॉक्टर कलाम टू द कैंपस प्रोफेसर अनिल गुप्ता एंड सृजन पाल सिंह। सो इफ यू कैन, बिकॉज ये मेरी अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है कि You were there. Were you seeing कि वो और colleges जा रहे हैं, या फिर आपका एक interest था कि नहीं ये एक ऐसा course है जिसके लिए ये best teacher हो सकते हैं? Did you reach out to Professor Anil? Like how did this all unfold? ये कैसे मतलब initiate कहाँ से हुआ कि we need to have him or we can have him at our campus? Actually, मतलब Professor Gupta is a very famous man. If you can, you know, share a bit about Professor Gupta to our viewers. He's one of our faculty members, a very well-known faculty member. I think he's retired now. I met him a few days ago. And back then he used to teach. He taught me two courses actually, one in first year, one in second year. And he used to teach about social issues, talk about things like entrepreneurship, inner discovery, those kind of things he used to talk about. Shodh Yatra. It was about inner discovery. I was a part of it. Ladakh mein hum log jaate the second year mein. But I think he was the one who was sort of always doing something innovative. And that's, I was the student's president then. So, 2008 mein I was the student's president at IIM Ahmedabad. Usko hum log general secretary bolte the. So, that's how the conversation began. Of course, he was the one who initiated. And then he asked me to
help him out. Because IIMA, it's a very democratic environment. Mm-hmm. Students have to take care of a lot of courses. Mm-hmm. So student council ka ek major job is to run courses. So that's how we sort of got going with it. Professor Gupta and Dr. Kalam were the, or rather Dr. Kalam and Professor Gupta were the co-faculty for this course, which was called GRIT, Globalizing Resurgent India Through Innovative Transformation. And I was coordinating this course from the student side. Of course, this was a very, very high celebrity coming in. So anyways, we had to get involved. But it was very graceful of Dr. Kalam to have agreed to run a course at IIM. This is 2008, just after he had left the office. So you like, was Professor Gupta who sent him an email first? No, I'm sure Professor Gupta would have sent him an email first. Okay. And then we took over. Right, right. So the introductions were made, he designed the course and all that. And from the student side, we took over. So, in life when, especially when... I think Professor Gupta knew Dr. Kalam well before the emails and all were sent, right? So, you know, what I was trying to come to, ki hum log jab young hote hain zyada and hum inspire hote hain logon ki stories se. Dr. Kalam ki story sabko pata thi, us waqt bhi pata rahi ho. To kai baar kya hota hai, jab hum unse milte hain, to unse milne ke baad, kyunki wo jo ek excitement wali jo cheez hoti hai, wo to thodi der ki hoti hai. Aapne pehli baar unka chehra dekh liya, pehli baar unse haath mila liya aapne, ya उस वक्त अगर फोटोग्राफ्स उतने नहीं होते थे तो वो फिर वो काफ़ी लोगों के अंदर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ आई मीन विथ ऑल रिस्पेक्ट टू डॉक्टर कलाम व्हाट वाज इट लाइक बिकॉज इन एन इंटरव्यू आई डिड यू नो लिसन टू यू एक्सप्लेनिंग कि जब वो आए थे एंड जब उन्होंने सुना कि शायद प्रोफेसर अनिल गुप्ता ही शायद या डायरेक्टर IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर उस वक्त आई रेफरिंग टू द फर्स्ट स्टोरी जब वो पहली बार आए थे और आप लोग एयरपोर्ट गए थे आप लोग रिसीव करने के लिए हां सो डॉक्टर गुप्ता एंड आई वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम अहमदाबाद में एंड डायरेक्टर हैड टू मीट हिम एट द गेस्ट हाउस जो हां शाही बाग वाला गेस्ट हाउस बगल में ही है हां वो शाही बाग गेस्ट सर्किट हाउस इज अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे IIM Ahmedabad is 15 kilometers away and it'll take you an hour to go to IIM Ahmedabad in a busy hour and it'll take you 10 minutes to go to the Shahi Bagh guest house. Right. So the director intended to, for the first time when he landed, the director said that, Professor Sameer Barua, he said that I will come to the Shahi Bagh guest house to receive him because the class is on the next day, so he doesn't need to come that day. So Dr. Kalam landed and he, we told him that, you know, sir, this is the situation. We are here to receive you and we'll take you to the Shahi Bagh guest house where the director is coming. So that's when he said, no, I don't want to go to Shahi Bagh guest house. I want to go to IIM Ahmedabad. And the logic was that he said, I want to go to IIM Ahmedabad because I'm a faculty there. Maybe a ex-president, a Z-plus security person here. But at an institutional level, when I'm participating in that institute, I am a professor at IIM Ahmedabad, that too a visiting professor. And here's a director who's like my boss, he's my senior in this environment. So he will not come and receive me, I will go and greet him. That should be the protocol. So in life, protocols change. So it's not a, his point was that I will play in the boots which, in the game which I am, which is here am I at IIM Ahmedabad where I'm faculty and the director will not have to come to see me, I will go to the director and greet him. That should be the protocol. What was your thought like back of your head when you said ki I met Dr. APJ Abdul Kalam today or I, you know, was a student at his course. What was it like the, you know, at the back of your head, maybe somewhere inside you, the feeling like? See, I think it's a great honor for all the students who were his students and I can show you the photograph, you can superimpose it later, it's right there. All the students who were his students in his class, we attended about 6 hours of his classes spread across 3 months, 6-7 hours. And of course, assignments which would have been another 6-7 hours. So fairly large amount of time exposure and about 80 students. I think everybody who was a part of this class on that batch, the subsequent batch, the subsequent and the next 4-5 batches where Dr. Kalam taught, would have taken a piece of him. In terms of the character, I think you ask anyone who was a part of that class. I got involved on the other side of the class, the teaching side of the class. So I may not be the right sample,
But everybody carried the lesson of patience, calmness, compassion, of thinking big, of not wasting your time and energy and thought in negativity. I think that was so intense. I see so many people today. That's one thing which fascinates me. Dr. Kalam had certain ground rules to his life. And one of a few of them, and their whole listed, 45 of them are listed in a book called What Can I Give? Mm-hmm. And anyone who wants to really understand Dr. Kalam from the kind of question you are asking, not from what he has achieved, right, but why he achieved what he achieved. Right, and that's character. Right. That's attitude. Right. That is more important. That entire thing is in the book which I wrote called What Can I Give? Right. 45 lessons there. But if I could just tell you in a brief summary, whatever is allowed in this interview is, see, he has certain ground rules in life. And sometimes you have to write those ground rules. I don't know whether he wrote it or not, it is written in your head. But I think if you can't just write it, this is my constitution. This is what I'll be. And every single time you come across a question, and you'll come across many times in a day, judge yourself on those parameters. Are you following that constitution? Be your own judge, be your own jury. So for example, he would simple things like, I want to, suppose one of his ground rule was compassion, right? So if he's eating something and there's somebody who's waiting. And I think I read somewhere that unhone bola ki agar kisi ke andar humility nahi hai aur usko apne andar jagana chahte, and compassion is the way to humility. Kahin to shayad, I think. See, हाँ मतलब compassion leads to humility. Compassion is, I think, compassion practice करो तो humility, and you can practice compassion, right? You cannot force yourself to be humble, but you can force yourself to be compassionate. It's from the book actually. So you have to force is a wrong word actually, but you have to guide yourself to be compassionate. हाँ, you have to guide it. So if you see, and compassion can be an everyday compassion. For example, his ground rule was, I will not start eating food till the birds outside the gate. Glass ka gate tha, aise karke glass ka gate tha, aur aise hum log kha rahe the. Chhota sa kamra tha, jitna ye hai na, jitne mein aap aur main baithe hain utne mein. Isme beech mein ek table laga do bas. Aur yahan pe glass ka aise door tha. Is door ke bahar ek chabutra tha. Us pe kabutar, tota, gilhari, wo sparrow, wo kali wali chidiya, wo sab aati thi. Aur wo kehte the, jab tak ye khana shuru nahi karenge, main nahi khaunga. Kabhi nahi kiya ye. अगर खाना जल्दी भी खाना है तो उनको भी खाना जल्दी मिलना चाहिए. तो मैंने पूछा कि एक दिन ऐसे ही हो रहा था, मैंने कहा आपको भी ऐसा लगा कि, हाँ मैंने बोला, मैंने कहा शुरू करते हैं सर, ये ठंडा हो जाएगा, तब तक इनको पड़ रहा है दाना. तो वो था नहीं, या जो भी था, वो बंदा नहीं था जो डालने आता था. तो ही सेड नो, वी कॉल हिम, टेक्स 5 मिनट्स. बट इफ यू स्टार्ट ईटिंग नाउ, द प्रॉब्लम इज यू हैव किल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव डेलिबरेटली कॉम्प्रोमाइज्ड द वैल्यू. व्हाई वुड यू डू इट फॉर द सेक ऑफ 2 मिनट्स? डोंट डू इट, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू इट. से वो 2 मिनट 20 मिनट हो जाएगा. सो इसलिए हम लोग यही करते हैं. जो लोग मेरे पास, इतने बच्चे आते हैं, आपकी उम्र के भी आते हैं, आपसे छोटे भी आते हैं, आपसे बड़े भी आते हैं, कि यू नो लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिप्रेसिंग हो गई है लाइफ में, ये हो गया, वो हो गया, जो मैंने सोचा वो मिला नहीं, जो मिला वो चाहिए नहीं था. ठीक है, सो आई थिंक ऑल दी यू नीड टू डू 2 थिंग्स इन लाइफ. लिस्ट डाउन नेगेटिव थिंग्स विच यू हैव, ब्लॉक देम. You can do it. Negative thoughts are self-repelling. You know? तो आपने 10 मिनट negativity लगा दिया तो 11 मिनट लगाना बहुत आसान है. क्योंकि 10 तो लगा ही दिए हैं, तो 11 भी कर देते हैं. और propel the positivity. Drive yourself to do good things. Small good things are very powerful. एक चिड़िया को, मुझे लगता है कि शास्त्रों में लिखा रहता है कि गाय को खाना खिलाओ, आप स्ट्रे एनिमल्स को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, इसको करो, उसको करो. आई थिंक इसका पर्पज यही है. कंपैशन जगाता है जब आपके हाथों से कोई, और कहते हैं हाथ से खिलाओ अपने, और फिर कहते हैं काली गाय को खिलाओ. तो क्यों कहते होंगे? क्योंकि ढूंढोगे, पहले ढूंढोगे, आइडेंटिफाई तो करोगे कि अलग अलग तरह के पशु होते हैं, फिर उन पशु को ढूंढ करके तुम उसी को खिलाओगे और अपने हाथ से खिलाओगे. है ना, हमने उसको कह दिया ये तो रूढ़ीवादी है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक पर्पज़ है कि आप जब ढूंढते हो किसी जानवर को, आप और मतलब एक पर्टिकुलर जानवर को ढूंढते हो कि आज सफ़ेद वाली, कल काली वाली, या ये है आज आज मेरे को इस जानवर को करना है, बिल्ली को खिलाना है, जो भी होता है. आई एम नॉट वेल वर्स विद दैट, बट आई सी वैल्यू इन फोर्सिंग पीपल टू थिंक देर इज वर्ल्ड बियॉन्ड यू विच यू कैन चेंज. हर इंसान को क्या लगता है ना कि मैं कुछ बदल ही नहीं सकता, मेरी पावर ही नहीं है कुछ. बट हर इंसान के हाथ में
छोटी सी चीज चेंज करने की पावर है. तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें पहले भी सोची गई हैं. हाँ, कुछ तो कर दो. एक बार एक्सपीरियंस तो लो. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छी चीज करते ही नहीं है. इसलिए जिम जाना, मेंबरशिप सब ले लेते हैं, जाता कोई नहीं हो, पहले दिन नहीं जाते हो. अगर पहले दिन चले गए तो दूसरे दिन चले जाओगे. वो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन वो ओवरकम करना. इसलिए यू शुड, व्हाट डॉक्टर कलाम यूज़ टू डू इज राइट अ चार्टर फॉर योरसेल्फ. मेरे ये 5 गुण हैं मेरे को बढ़ाने हैं, ये 5 अवगुण हैं जो हटाने हैं. और आप रोज देखो कि आपने क्या आपने अवगुण को स्पेस दिया. अगर दिया है तो क्यों दिया, कैसे इसको मैं कम करूं. क्या एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सड़क पे खड़ा था, कोई रोड क्रॉस करना चाहता था, क्या मैं गाड़ी रोक सकता था अपनी. ग्रीन लाइट थी, वो क्रॉस कर रहा था, गलत कर रहा था, रोक दो यार, तुम बड़े आदमी बन जाओ. यू बिकम द बिगर मैन. डिड यू डू दैट? आप एक दिन करो, दो दिन करो, तीसरे दिन करोगे, आप उसमें मजा आने लगेगा आपको. आप वो बन जाओगे. 21 दिन लगते हैं एक आदत बनाने में. क्यों लगते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में ना 1 ट्रिलियन सेल्स हैं और 100 ट्रिलियन लिविंग बींग्स हैं. आप तो कॉलोनी हो यहाँ, आपके गट में ही 100 ट्रिलियन लिविंग सेल्स हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो, आपका एक माइक्रोबायोडेटा है पूरा यहाँ पर. उनको 21 दिन लगते हैं बदलने में, आपका कैरेक्टर बदलने में. इसीलिए लोग बोलते हैं 21 दिन लगते हैं, गट फीलिंग इसीलिए बोलते हैं, है ना. सो इसीलिए 21 दिन लगते हैं कोई आदत बनाने में. और ऐसा नहीं है कि 21वें दिन एकदम आप अलौकिक परिवर्तन आ गया, बट 21 दिन में आप वो बन जाओगे और आपको इसी में कंफर्टेबल रहेगा. अगर आपको कुछ आदत बदलनी है तो अपने आपको 21 दिन का समय दो. अगर वो नहीं दोगे तो नहीं बदलेगी. तो लेकिन पता रखो 21वें दिन होगा. सो यू शुड टोटली डू दैट. सो आई थिंक डॉक्टर कलाम वॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर अबाउट इज दैट दीज आर द थिंग्स आई वॉन्ट टू प्रमोट. एंड आई रिमेंबर छोटी छोटी चीज़ें, मतलब असफलता में भी आप कितना, हाउ मच कैन यू रिग्रेट फेलियर आपको लेसन लेना. फेलियर है जिसको लेके आप बड़े चिंतित थे या विचलित थे, लेकिन फिर ऑफकोर्स बाद में तो रेट्रोस्पेक्ट में सारी चीज़ों का एक मीनिंग समझ में आता है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे फेलियर हैं. फेलियर की कमी थोड़ी ना है. 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, फेलियर है. IIT में एडमिशन नहीं हुआ, फेलियर है. फिर IIM में एडमिशन हुआ और तबीयत नहीं ठीक है आपकी, 1 साल आपका बर्बाद हो गया, ये भी फेलियर है. तो फेलियर से कोई कमी थोड़ी ना है, हर साल फेलियर है. देखो असफलता और हार में अंतर है. असफलता परिस्थितियों से होती है, हो सकता है आपकी एफर्ट में कमी हो. हार चॉइस से होती है. जब आप सोचते हो हम हार गए तो आप हार जाते हो. आप सफल होके भी हार सकते हो. जब भी मुझे किसी स्कूल में या कॉलेज में जाने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप आज जो भी हो अपने चॉइसेस और डिसीजंस के प्रोडक्ट हो, परिस्थितियों के भी हो. हाँ, जो चॉइसेस आपने लिए, क्योंकि विकल्प आपके जीवन में कई बार विकल्प का चुनाव करने का मौका मिलता है. निर्णय आप कभी कभी लेते हो चीज़ों को लेके, अगर आप उनको सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा. मतलब जब लोगों को मैं देखता हूँ बहुत होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ एक बार रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप इन दो चीज़ों को शायद देखोगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट यू नो व्हाई इज इट लाइक दिस. एंड वंस यू हैव अ बेटर आइडिया मे बी यू कैन मूव अहेड फ्रॉम. असफलता में एक बहुत बड़ा मोती छिपा होता है, वो है लेसन का. अगर आप सीख लोगे उससे, अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि आप क्यों असफल हुए, हो सकता है परिस्थितियाँ गलत हो. कुछ चीज़ें ऐसी असफल होती हैं कि वो समय से पहले हो गई, असफल बन जाती हैं. किसी और ने बेहतर कर लिया आपसे, परिस्थितियाँ ये भी. लेकिन तो आप असफलता का आकलन करो, आत्ममंथन करो. बट असफलता पर अपने आप को असमंजस में डाल देना, अपने आप को हीन समझना, यू नो डेरोगेटिंग योर सेल्फ इज नॉट द आउटकम ऑफ बींग हैविंग फेसिंग अनसक्सेसफुल और अ फेलियर वट एवर. बट सो यू नॉट डिफीटेड, डोंट बी डिफीटेड. सो असफलता तो बहुत है, तो ऐसी बहुत सारी असफलता में कितना समय आपको निकालना है, उससे क्या निकाल करके आगे बढ़ना है, ये भी आवश्यकता है. ओवरकमिंग यू नो सक्सेस को सेलिब्रेट करने में भी एक संयम होना चाहिए और असफलता को अब्जॉर्व करने में भी एक तरह का अपने ऊपर आपको बहुत, यू शुड नॉट बीट योरसेल्फ अप. 2012 में व्हेन प्रेसिडेंट की रेस चल रही थी ना, जब प्रणब मुखर्जी जी का नाम आया था और डॉक्टर कलाम का, शुरू में 3 बड़े हमारे उत्तर प्रदेश, बंगाल और तीन लोग थे, नाम याद आ रहे, तो मुलायम सिंह जी थे, दूसरे ममता जी थी और एक और कोई बड़े नेता थे. उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम को हम दोबारा प्रेसिडेंट बनाएंगे और न्यूज़ में पूरा चला. और फिर जो भी हुआ, राजनीति है, राजनीति में भी इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन. और अल्टीमेटली द वे इट वेंट इज दैट वी, मतलब डॉक्टर कलाम वॉज वेरी, उस समय वो समय था जब बहुत करप्शन वगैरह का आंदोलन चल रहे थे. तो डॉक्टर कलाम वॉज वेरी कीन टू
कंसिडर, मतलब कंसिडरेशन तो था उनका कि आई वॉन्ट टू यूज दिस एज अ फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि अब मेरे को, मैंने देश से जो है सेल्फ रिलायंट बनाया, स्पेस में लेके गया, प्रेसिडेंट हाउस को लोगों के लिए खोला, अब शायद आई शुड डू समथिंग अगेंस्ट करप्शन. पोजिशन नहीं है, पोजिशन की रेस को भी, नॉट जस्ट अ पोजिशन बट इवन द रेस टू द पोजिशन. सो देन वॉट हैपेंड, ऑफकोर्स थिंग्स डिडंट टर्न आउट, आई मीन द नंबर्स डिडंट ऐड अप एनीवेज. And then he had to take a call. And then he took a call. I mean, I gave him two speeches. मैं दो speech दिया उनको. ये मैं accept करता हूँ, ये छः बनने का है. और ये मैं decline करता हूँ from the president's race. I get out of it. और ये दो बनने का है. आपको सुबह जो मीडिया को देना हो दे देना, बाहर खड़ी है सब, ठीक है. So then I went out from the back gate and that was the thing. So we spent 3 days in the office considering हम क्या strategy बना सकते हैं. क्योंकि हमारा plan तो कुछ और था. हमारा plan था anti corruption करना. So then of course he decided not to, and then he called me the next morning. The press had that two page wala note, and then he called me. He said you sitkani laga do and you yell at me, you shout at me for the next 10 minutes I give you. You shout because you made all these things and I have done this, so you will be disappointed, so you can shout at me. 10 minutes, nobody's here, shout. Okay, so, see, that's humility, right? But then he said something nice. He said, after 10 minutes were over, he said, don't worry, we'll do something else, something good. We'll do. That's okay. And work was normal. And you know, here's a man who just bowed out of the race to be the president of the country. Yeah. And 10 minutes baad bolta hai ki, let's do something else, kuch achha karte hain aur. Kuch aur achha karte hain. और चीजों को एजुकेशन में करना, फिर सोचा कि क्या करें, अब तो कुछ करना है, अब ऐसे तो नहीं है, ये तो छोड़ दिया, अभी कुछ और तो करना है ना. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बीसीजी में जाना आपके लिए क्या सफलता उस वक्त, क्या नहीं, बीसीजी वाज़ द नंबर वन कंपनी, रिसेशन आया था 2009 में, यू आर फीलिंग वेरी, यू हैड द बेस्ट जॉब, यू आर द हाईएस्ट पेइंग जॉब, एंड दैट टू इन द फर्स्ट ईयर. दैट वाज एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, दैट वाज अ प्री प्लेसमेंट, व्हिच मींस आई वेंट टू इंटर्न विद बॉस बीसीजी एंड दे ऑफर्ड मी अ जॉब. इंटर्नशिप में क्या गया था आपने? इंटर्नशिप में मैं गया था, आई वाज विद बीसीजी वाज अ कंसल्टेंट टू यूनाइटेड नेशंस, सो आई वाज अटैच्ड टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. इंटर्नशिप से ही आप? इंटर्नशिप से आया, फिर उसी में दे आस्क्ड मी टू जॉइन फुल टाइम. And I was in a place called Raigad in Koraput in Odisha. तो ये जो grain distribution उसमें मतलब LinkedIn में mentioned है, what is it about, if you can you know explain? So 2008 में तब आधार नहीं होता था. आधार 2009 में आया, उसके भी end में आया. उसके पहले World Food Program को हमने guide किया, मतलब हम advice किया, actually हमने पूरा execute उनके साथ ही किया था. वो बहुत ही difficult project था because वो रायगढ़ में हो रहा था. अभी रायगढ़ बहुत ही रायगढ़ा करके है वो, एक्चुअली वो उड़ीसा में कोरापुट के पास बिल्कुल नक्सलवादी क्षेत्र है. वहाँ पे आपको बम के धमाके के आपको नक्शे निकालने मिलेंगे. हाँ, और नक्सलाइट दिखते थे, वो दूर खड़े हुए हैं. तो उस समय नक्सलिज्म बहुत ऊपर था भारत में. तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें करप्शन हटाना था हमें. सो उसमें क्या होता था कि घोस्ट कार्ड होते थे, तो राशन कार्ड मरे हुए आदमी के नाम पर है, राशन कार्ड जो आदमी कभी पैदा नहीं हुआ उसके नाम से है, बहुत सारे राशन कार्ड ऐसे. तो क्या होता था, ग्रेन साइफन ऑफ हो रहा था, तो लीकेज यूज टू गो अप टू कंजर्वेटिवली 40% एंड सम पीपल उसे 70%. यानी दो तिहाई आया हुआ जो अनाज जो आपके टैक्स पेयर से आ रहा है वो जाकर के ब्लैक मार्केट में कहीं बिक रहा है, किसी करप्शन के वो फ्यूल कर रहा है. सो हमारा जॉब ये था कि हम इसको बायोमेट्रिकली लिंक करें. उस समय बायोमेट्रिक्स की बात नहीं होती थी, उस समय दुनिया भारत में तो अटेंडेंस ही बायोमेट्रिक नहीं होती थी, और तो शहरी लोग थे. गाँव के लोगों में बायोमेट्रिक आई स्कैन आयरिस वाला और ये फिंगरप्रिंट को यूज करके कैन वी क्रिएट अ मैकेनिज्म सो दैट उसी व्यक्ति को अनाज मिले जिसके नाम पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन. एंड दिस इज वेल बिफोर आधार. इसके बाद आधार बना. इसी इनफैक्ट इसकी काफ़ी जो लर्निंग्स हैं वो आधार में भी यूज हुई. काफ़ी वेंडर्स जो जिन्होंने हमारे साथ काम किया था उन्होंने बाद में आधार के साथ काम किया. बट ये प्री आधार का है, और बड़ा मुश्किल होता है आधार तो, देखिए शहरों में करना है, सबके फिंगरप्रिंट होते हैं, गाँव में नहीं होते. जो आदमी 80 साल का है उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं होता, फिंगर एकदम घिस चुकी होती है उसके, इतने निशान ऐसे ऐसे लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसा लगता है कि पंजा मार दिया किसी ने. तो इट लुक्स लाइक दैट. सो यू हैव टू स्टिल वर्क योर वे अराउंड इट. दैट्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैगल. किसी को आंख में बीमारियां हैं, कैटरैक्ट, आयरिस का स्कैन ही ठीक नहीं आ रहा है. सो विच साइड वेर यू एट? आई मीन एक टीम होगी, टेक्नोलॉजी कुछ लोग देख. आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग, मतलब ऑब्वियसली आई वॉज नॉट मैन्युफैक्चरिंग आधार, वो ये बायोमेट्रिक्स, बट इम्प्लीमेंटिंग देम, डिसाइडिंग, मॉनिटरिंग द एंटायर
entire monitoring से ज़्यादा managing था. I was based in the tax light area only. हाँ, पूरा ops जो है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे इसको tweak कर सकते हैं, उसमें कितना हो पा रहा है. So we visiting all these centers all across. So that's what the job was. And of course it is exciting because it's an exposure. I mean, I hadn't spent that much time or time at all with the deep pockets of tribal India. I never saw that. First time I saw. कैसी लाइफ होती है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या इनकी आशाएं हैं, अपने बच्चों के लिए क्या ये करना चाहते हैं, क्यों ये पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. क्योंकि कई बार होता था नक्सलाइट्स वर नॉट रियली सपोर्टिंग सच ए थिंग, दे हैव देयर ओन एजेंडा, तो दे डोंट सपोर्ट इट. तो उस एनवायरमेंट में जहाँ पर थ्रेट भी है आपको, इट्स आई डोंट थिंक आई फियर्ड इट, प्रॉब्ली आई डिडंट रियलाइज दैट इट इज समथिंग टू फियर, but it was worth it. I think we achieved something very positive, and the World Food Program itself gained a lot from it, and I think the whole genesis of Aadhaar saw some inspiration in that project. So it was one of the first, if not the first, way of successfully implementing biometrics for distribution of grain, which is I think fundamental. Are you talking about the world or no, India ki baat kar raha hu. I don't think world mein, India mein hota hai sab. हमारे यहाँ इतनी सिक्योरिटी ऑफ दी बेस लाइन है. हम लोग सोचते हैं कि भारत में ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता. आप जाके चाइना में देखो, कुछ नहीं होता ऐसा. जिस समय भारत लोगों को फ्री का, हम लोग, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से तब की बात कर रहा हूँ जब राशन कार्ड बनते थे, वो वाले कागज वाले, मोटे कागज बनते थे वो वाले. आपके हाँ, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बताएंगे. वो ऐसे खुलते थे फ्लैप की तरह. जब वैसे राशन कार्ड बनते थे उस समय, उसी समय चाइना में उल्टा हो रहा था. चाइना में माओ जैसे नेता ये कर रहे थे कि गरीब ग्रामीणों को मरने दो और उस शहरी लोगों को उभरने दो उसके जरिए. और कितने 4-5 करोड़ लोगों की जान गई थी चाइना में उस समय खाने के अभाव में. इट्स अ नोन फैक्ट, आप माओ की हिस्ट्री पढ़ो, यही है. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इज दिस, वेयर सम पीपल वर लेफ्ट बिहाइंड, बट वी डिडंट डू दैट, वी नेवर डिड दैट. हमने आज नहीं किया, हम आज भी नहीं करते. उस समय आप चाइना में आप गाँव से शहर नहीं जा सकते थे बिना परमिट के, और आपको तुरंत वापस आना था और वीज़ा की तरह मिलता था. क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि शहर के लोगों को गांव की व्यथा के बारे में पता लगे, क्योंकि शहर में जर्नलिस्ट होते थे. मैंने अभी, आई डोंट नो, आई मीन हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ इट और वेदर व्हाट आई हैव हर्ड इज होल्ड्स एनी ट्रूथ इन इट, कि वहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें जैसे यहाँ पर अपना सिविल स्कोर होता है, तो अगर आप कुछ पोस्ट करते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप कुछ करते हो तो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं शुरू से उनका. शुरू से आज का नहीं है, पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं, तो आपको जो गवर्नमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस है चाइना के, व्हाटएवर इंस्टीट्यूशंस, सोशल पॉइंट्स है, समथिंग कॉल्ड सोशल पॉइंट्स. उनके बच्चे जो है अधिकतर जो काम करते हैं, जैसे ओलंपिक्स में वॉलंटियर करना है तो उसके इतने पॉइंट्स मिलेंगे. तो एक तरह का एक पैरेलल करेंसी सिस्टम है. सो द मोर यू डू फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, द मोर पॉइंट्स यू गेट, एंड दोज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज एंड ऑल्सो योर एंट्री इनटू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिपेंड्स ऑन दैट स्कोर. और ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है. ये जब बहुत पहले, जब चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड करी थी और कहा था कि कम्यून्स बनाएंगे हम, तो उन्होंने सारे प्राइवेट एसेट्स को कम्यून्स में डाल दिया, 100-100 लोगों के कम्यून्स में डाल दिया कि ये सोशल ओनरशिप है, सब लोग ओन करते हैं, कम्युनिज्म. और उन्होंने ये कहा कि जो लोग काम करेंगे, और खाना, फूड इटसेल्फ, मनी वाज इन मेनी प्लेसेस, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी देन. सो दे रिमूव द मनी कॉन्सेप्ट एंड दे सेड कि जब आप काम करोगे आपको क्रेडिट मिलेंगे और उस क्रेडिट के जरिए आपको खाना सरकार खिलाएगी, तो आप किचन नहीं रख सकते. तो जो लोग काम नहीं कर पाते थे उनको खाना नहीं मिलता था, तो वो मर जाते थे. तो अगर कोई बीमार हो गया लंबे समय के लिए तो मर जाएगा, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है. नो प्रोडक्शन, नो पॉइंट, नो फूड. सो एनी, सो फॉर एग्जांपल चाइना प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर इंस्टेंस, दे कांट वर्क, दे डोंट गेट क्रेडिट, दे डोंट गेट फूड. सो चाइना वेंट थ्रू दैट एंड स्टिल गोज थ्रू दैट. इंडिया नेवर वेंट थ्रू ऑल दिस. सोच, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के पॉइंट काटने शुरू कर दो, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी फिर तो. So, there's this thing that you've mentioned in an answer Quora pe, ki ek life-changing moment tha aapke liye jab aapko gold medal mila IIM Ahmedabad mein all-round performance, aur aapne email likha Dr. Kalam ko, ek din aap logon ka tay hua jab aapne unse unke Rajaji Marg wale awaaz pe aap gaye, unse mulaqat hui aapki, aur ek baatcheet hui. Aapne internship ki वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ ऑल्सो क्वाइट सोशल डेवलपमेंट सेंट्रिक वर्क, एंड
उन दिनों आपके बाकी जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उसमें भी सोशल सेंट्रिक वर्क दिखता है जो आपके मतलब आईएम के दिनों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो क्या डॉक्टर कलाम से उस दिन मिलना वो कभी कभी हमारे लिए होता है कि एक फाइनल वैलिडेशन या एक फाइनल स्टैम्प की, क्योंकि इंसान कभी कभी तो कन्फ्यूज रहता ही है कि ये सही जा रहा है ये नहीं जा रहा है, आगे यहाँ कहाँ तक आगे जाना है इसे, या वॉट वॉज द लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट इन दैट मीटिंग, क्या था वो लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट? See, let me discuss about the meeting and then I want to touch your point of validation. See, Dr. Kalam told me one thing in that meeting is that you have a gold medal, which means you have appreciation. You have a degree, which is pretty good. So, which you have good marks, which means you have some intelligence. And you have a degree from IIM Ahmedabad, so you have the social approval or whatever you call it. You have education. Now, how do you use all of these to do something transformational for the world, the country, the people, and so on? And I think that is a very, anyone who has these things, and I'm not the only one, there are a lot of people who have medals and this, that, and all. I think it's a very valid question to ask. What is that, what are you creating? You see, aap bana kya rahe ho life mein? Agar aap life mein sirf jeevan yapan bana rahe ho, तो यार आपका बार बहुत लो है. आई एम नॉट सेइंग डोंट मेक मनी. समटाइम्स पीपल कंफ्यूज कि सोशल वर्क मींस डोंट आई शुड जस्ट नॉट अर्न. दैट्स नॉट द केस. आई थिंक यंग पीपल शुड डेफिनेटली अर्न मनी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, बट अर्न मनी इन द राइट वे एंड डोंट बी ब्लाइंडेड बाय दैट चेस. यू नीड इनफ टू सस्टेन यू वेल. आई एम नॉट सेइंग सस्टेन यू, आई एम सेइंग सस्टेन यू वेल. डू दैट. You have responsibilities for your parents, your family which will come to be. You have to take care of that. वो नहीं किया तो फिर आपका baseline नहीं clear हुआ. But अगर आपका सिर्फ जीवन यापन ही आपका ध्येय बन जाएगा तो आपका ध्येय छोटा है, आपकी सोच छोटी हो गई. तो इसलिए मुझे ये लगता है कि when Dr. Kalam said कि how will you change the world, I think it's very important. What are you changing in the world? So, did I get validation from it? No, I got an opportunity. I got a reminder and then I opened and we together, Dr. Kalam offered me actually to work with him. So, that is something which an opportunity came. Now, that opportunity came at a risk. You had to leave a job which was here and take 1/10 the salary. 2009. And BCG, how much time was it? BCG, I had an internship and I had to join. I joined 3 days and then I left. But BCG is a great organization, right. I tell you. It's a great organization. It's a fantastic place. I learned a lot in 2 months, which I worked as an intern there. And subsequently, whatever days I worked as a full-time employee. And those lessons are important in life. And life mein experiences se lessons kya lena hai, isme bhi aapka haath hota hai. Ki aapko usse seekhna hai. Inspiration is also on the receptor. Aap soch kya rahe ho. Matlab, aapka reception khule hai ki nahi khule hai, ispe bhi depend karta hai. But if I could just sort of, you know, revisit that point is, you should always ask yourself, जो भी आपने किया लाइफ में, आप भी बैठे हो, आपने डिग्री करी, यहाँ पे जितना क्रू है, आप सब यंग स्टूडेंट्स हो, how will you create your page of history? Right. Not for others to remember, but for yourself to recall. क्योंकि अब I am probably, you know, more than a decade older than you, and that extra decade I have on you, or more than that, I would reflect back and I will go back to your age and figure out that if I was back in your age, is the journey which I have spent between your and my age, is it the right one? Have I let go of opportunities by not chasing them, by not identifying them? Have I wasted my time in negativity or wrong things which I knew were wrong to begin with? मेरे को पता था ये नहीं, मेरे को इसमें समय लगाना है, ये sustainable नहीं है मेरे लिए, तभी भी मैंने इसको चेस किया. एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर. सो आई थिंक दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू आर अ वैल्यूएबल एसेट टू एवरीवन एंड योरसेल्फ. सो डोंट लेट गो ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट विच यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर व्हेन यू आर रियली ओल्ड. थिंक अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ऐसा लगता है ना कि हमें समय ठीक है, एक साल ये भी करके देख लेते हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ाई नहीं होती है, थर्ड ईयर में पढ़ाई नहीं होती, तो नहीं करते, कोई नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे. बट आपका समय तो जा रहा है ना, तो
आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थिंक एंड यू कैन. द थिंग इज यू कैन बिकॉज द मोमेंट आई स्टेप्ड इवन विद इन बीसीजी आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फैंटास्टिक थिंग्स व्हिच वर वेल इन द मीडिया बट मोर देन द मीडिया आई कुड सी देम दैट इन द आईज ऑफ दोज हु वर कमिंग विद होप कि अभी अनाज मिलेगा मेरे को. आज तक मैं चावल का माड़ पीता था या अपने बच्चे को पिलाता था चावल का छिलका निकाल के पिलाता था. आज शायद मेरे को अब चावल मिलेगा. ऐसी उन लोगों को मिला, कई लोगों को मिला होगा और उसके बाद जो आगे हुआ मुझसे भी और भी लोगों ने किया, उससे भी अच्छा किया. तो अब एक सेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी में हमारा हाथ तो है कि कुछ लोगों को न्यूट्रिशन मिला, शायद उन लोगों से कुछ लोग जो लोग इतने रह जाते हैं अब वो इतने बड़े हो जाएंगे. फुलफिलमेंट है और इम्पैक्ट है. आप क्या करोगे, आप दुनिया को बेहतर छोड़ सकते हो जिससे आप आए हो, क्योंकि आपके पिछले वालों ने भी यही किया है. तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अगले वालों के लिए ये करो और दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ द स्पीशीज. और क्या, यही तो है. तो आपने ज्वाइन किया डॉक्टर कलाम को एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड एडवाइजर ऑफ एडवाइजर लेटर बन गए पहले तो एडवाइजर. तो अब क्योंकि आप उनके साथ थे तो एक जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि पैसा और पावर एक कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं कोरिलेट और ओवरलैप जो भी है. अब वहाँ पर अचानक से आपके लाइफ में जो एटमॉस्फेरिक्स है, जो माहौल था, उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस आपको नज़र आ रहा होगा इन अ डिफरेंट वे, दैट आप ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ. तो कभी भी आपको कभी ऐसा फील हुआ नहीं डॉक्टर कलाम के ऑरा की वजह से, या आपके मन में कभी उस तरीके के द्वंद या उस चीज़ का एक एक्साइटमेंट रॉब जिसको कहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ज़माना है जब वो नीली बत्ती के पीछे एक वो बहुत बड़ा कारण था, वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था. तो कुछ रहा कभी ऐसा आपको फील हुआ कि एनीथिंग लाइक दैट? क्या समय नहीं है. आई डोंट थिंक व्हेन यू आर ड्रिवन बाय अ बिग पर्पस एंड दैट टू गाइडेड बाय डॉक्टर कलाम्स बिग पर्पस. सो मेरा भी क्या पर्पस हो, तो उनका पर्पस है. एंड जब आप इतने बड़े गोल के पीछे आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक आप ये सब सोचते हो. सब सोचने का टाइम ही नहीं होता. यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक अबाउट कि ये नीली बत्ती है, लाल बत्ती है. बत्ती कहाँ देखोगे यार, गाड़ी कहाँ के लेके जाएगी. जल्दी पहुँचना है, तुम्हें काम करना है. गाड़ी में भी काम ही करना है आपको. आप कार में भी काम ही कर रहे हो, आप कार के बाहर भी कर रहे हो. आई डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स मैटर. फिर कार बिकम्स अ ट्रांसपोर्टेशन. नीली हो, लाल हो, पीली हो, हु केयर्स. एवरीथिंग इज जस्ट सॉल्विंग अ पर्पस. I see the again your purpose in life should be clear. Right. The purpose in life should not be कि मेरे को ऐसी वाली गाड़ी चाहिए या ऐसा वाला वो चाहिए, क्योंकि फिर आपने फिर purpose छोटा कर दिया अपना. Right. मतलब कितने भौतिक purpose बनाओगे? सही बात. The purpose in life should be yes, I will live a life of dignity. मैं ठीक ठाक कपड़े पहनूंगा, फटे कपड़े नहीं पहनूंगा, अच्छे नहीं लगते वो, है ना, hygienic नहीं होते. I will live this. I will. This is the kind of life I want to live. This is my basic lifestyle, which I'm telling you that's nothing. It's the, I mean, अभी लगता है कि ये जीवन यापन बहुत बड़ा इशू होता है, बाद में ये नहीं बनेगा. एक्सेलेंट आप बन गए तो आपको अपनी इनकम की चिंता नहीं करनी पड़ती. तो एक्सेलेंस को परस्यू करो ना, बाकी तो अपने आप भी सब कुछ हो जाता है. सो 2009 से 2015 का जो पीरियड है उसमें आई एम श्योर बहुत यूजुअल है, नॉर्मल है कि बहुत बार डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे अलग अलग मुद्दों पर, और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे. तो डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करने का जो अप्रोच था डॉक्टर कलाम का, आपका, मतलब वो कैसे होता था? जैसे बिकॉज दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग इज बिकॉज ए आई हैव हर्ड और रेड समथिंग अबाउट इट. बी आई वॉन्ट यू नो टुडे व्हेन पीपल डिसअग्री दे आर नॉट जस्ट डिसअग्रींग विद द थॉट और विद द आइडिया. और ये चीज़ हमें देख के आई फील I mean, it does not feel good at all to see that disagreement is being used as a tool to start developing notions about the other person. And it gets personal very soon, sides and this and that. And thing. I'm just saying that, matlab, usko aap agar bataye thoda sa ki disagreement hoti thi, wo kya ek, how did it go? So that everyone also gets to know more of, you know, finds an opportunity ki wo kaise un disagreements के साथ चीजों को शायद बेटर कर सकते हैं, अपने डिसएग्रीमेंट्स को बेटर हैंडल कर सकते हैं. लेट्स से दैट. सी थिंग इज दैट यू राइट, डिसएग्रीमेंट अगर मैं जनरल सोसाइटी की ट्रेंड की बात करूँ ना, आर एपेटाइट फॉर डिसएग्रीमेंट हैज गॉन डाउन वायलेंटली. यू नो वी डोंट
We don't tolerate anyone to disagree with us. And I'll come to that, why that happens. There's a reason why it happens and why it is increasingly happening. कि किसी का कोई स्टेटमेंट हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसको इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि मतलब इट्स लाइक देन माई वे और हाई वे. सी वॉट यू आर कॉलिंग एज डिसएग्रीमेंट इन अ इन दिस केस अ प्रोफेशनलिश एनवायरमेंट एंड देयर मे बी पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स ओवर मेनी अदर थिंग्स इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस एंड अ मैटर ऑफ सो एवरी वन कम्स विद द सेम पर्पज विच इज टू डू गुड on a table where you're discussing. So we want to achieve a project and both of us want it to succeed. That, if you start doubting that, then you're doubting my intention. Phir toh disagreement ka matlab, phir toh resolution nahi ho sakta. But wo nahi hota. Toh sabse pehle toh don't doubt people's intention. If you are disagreeing something, realize that the other person is also trying to achieve the same thing. Your collective goal remains the same. But this person may have a different data, which you may not have. Or you, or vice versa. You may not have, you have data which he doesn't have. He has data which you don't have. He may interpret that data in a way. उसका prediction क्या करना है? उसकी algorithm क्या है? वो तुमसे अलग हो सकती है. Maybe उसने कुछ ऐसा point सोचा है जो आपने नहीं सोचा. या आपने कुछ सोचा है जो उसको नहीं बताया. So I think disagreements can be solved by putting people in an equal pedestal of discussion. Ask them, what do you know about this data? See if there's a difference. What do you think about what you know? Maybe they have a different algorithm. Discuss it. Maybe, and you have to, and the other person also has to be open with the idea that you may be wrong. Being wrong in a closed room discussion for a common purpose is great because you have been course corrected. And what you would have done would have made the entire mission fail. But now because of this new data, you have been saved. So even if you are a boss or if you are a senior, that's when disagreements are harder to take. Because you make it an ego. What you believe and what you know is finite. Right. And there's much more which you don't know. And it's okay to know. If you're a boss, if you are a junior, if you know something about your senior or about this thing which your senior seems to not know, you need to be careful that you present it in a way which is constructive and not insulting. Iska bhi dhyan dena padega, hai na? So your words matter. Your words matter, the way you hear the words matter and how you react to them matters. Disagreements don't come out of either of these if you ask me. Disagreements happen because there's ego. Because someone has hurt someone's ego and you are pressing and believing something because it. If you don't, then you feel that you'll be belittled. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी आवश्यकता होती है जिसमें डिसएग्रीमेंट और व्हाट आई वुड कॉल फीडबैक विच मे बी अ क्रिटिकल फीडबैक इज इनकरेज्ड. द पर्सन हु गेट्स इट इज नॉट पीनलाइज्ड. द पर्सन हु गिव्स इट इज ऑल्सो नॉट सीन एज एन एनिमी. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट बनाने की भी जरूरत है. सो दैट्स वॉट वी नीड टू डू. एंड आई थिंक वाई दिस इज इंक्रीज मोर इज बिकॉज इंक्रीजिंगली वॉट हैपेंड इज दैट वी आर हियरिंग थिंग्स द वे वी वॉन्ट टू. राइट, आई टेल यू वॉट आई मीन. जब हम छोटे थे तो हम दूरदर्शन देखते थे. दूरदर्शन में एक ही न्यूज़ आती थी, सबको दिखती थी, सबको एक ही तरह के फैक्ट बताते थे. फिर केबल टीवी आया, अब आप चैनल शिफ्ट कर सकते हो. तो आप एक न्यूज़ लगाते हो, दूसरी न्यूज़ लगाते हो, तीसरी लगाते हो और सबके अपने अपने एजेंडा हो सकते हैं, आपके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. लेकिन एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ तक जाने में आप पहली भी देख लेते थे, दूसरी भी देख लेते थे, थोड़ी थोड़ी दो दो सेकंड, पाँच पाँच सेकंड देख लेते थे. आपको पता था कि देर इज अ डाइवर्जेंट थॉट विच एग्जिस्ट्स. अगर आप एक्स चैनल देखते हो तो देर इज अ वाई चैनल जो एक्स बिलीव करता है जिस आइडियोलॉजी को या जिस सोशल सिस्टम को, उसको वाई नहीं बिलीव करता है. सो वाई भी एग्जिस्ट करता है. दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं और कभी कभी आप चैनल देखते समय उनको देख लेते थे. फिर आया सोशल मीडिया का दौर. अब आपको जो पसंद नहीं आता आप उसको ब्लॉक कर देते हो. जो आदमी पसंद नहीं आता उसको आप ब्लॉक कर देते हो. जो चैनल नहीं पसंद आता उसको आप अनसब्सक्राइब कर देते हो. वो आपको जिंदगी में कभी दिखता ही नहीं है. अब आपने By default and by choice, आपने अपने आप को अंधा कर लिया कि मेरे को तो दाई साइड देखना ही नहीं है. ये ऐसे ऐसे रखता हूँ मैं, बस इधर ही देखना है मुझे. या मैं राइट में हूँ तो मैं राइट वाला से राइट विंग देखेगा, राइट लेफ्ट विंग नहीं देखना, लेफ्ट वाले को राइट विंग नहीं देखना. तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी एक आंख से देखता है उसको दूसरी आंख का दृश्य ऐसे चल के आ जाता है तो उसको लगता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. देन वॉट हैपन्स इज दैट यू फील दैट दिस इज आउटलायर, दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो आउटलायर, दिस इज आउटरेजियस. And I feel like ये तो exist ही नहीं करता.
सो अब बात ईगो तक ही नहीं पहुंची है, अब बात इस तक पहुंच गई है कि मुझे लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो कुछ अलग ही है, ये मतलब एलियन आदमी है तो, एंड दैट्स व्हाट फील्स. सो जो लोग एक सांस देखते हैं उनको इस आंख वाले सब लोग एलियन दिखते हैं जो इस साइड होते हैं, जो इधर वाले देखते हैं उनको इधर वाले सब एलियन दिखते हैं. तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि सबको एलियन दिखने लगे हैं, और इस वजह से हम लोग एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बन रहे हैं जिसमें डिसएग्रीमेंट्स आर बिकमिंग, क्या आपको लगता है ये तो कितना बेवकूफ है, मूर्ख है, ऑफेंसिव है, झूठा है, और आप उसको पर्सनल, आपने बोला ना पर्सनल हो जाता है, इसलिए पर्सनल हो जाता है, और आप एक चार बात बोलोगे वो चार बात, क्योंकि वो भी दूसरे नजरिए से देख रहा है, उसका उसने कभी देखा ही नहीं, उसको क्या पता. तो जैसे वो कहानी है ना, वो अंधे होते हैं चार ब्लाइंड मैन, वो एक हाथी को पकड़ते हैं, एक पूंछ पकड़ता है, कहता है सांप है, एक हाथ पैर पकड़ता है, कहता है ट्रंक है, क्योंकि हम लोगों ने कभी दूर से देखा ही नहीं है क्या ये, तो हाथी था. सो दैट्स द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दिस इज इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक एज यंग स्टूडेंट्स एंड हूएवर इज यू नो यंग पीपल आर गोइंग टू वॉच इट एंड यू योरसेल्फ एंड अदर्स इन योर क्रू, यू हैव टू फिगर आउट, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है बिकॉज ऑफ एनी अपोजिंग पोलिटिकल स्टेटमेंट, आपको ये तो आपकी मूर्खता है, बिकॉज यू बेसिकली शट योर सेल्फ अप टू अ पर्सपेक्टिव. ठीक है वो आपको पसंद नहीं है, उसकी बात नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ही खराब है, कि वो बात कोई डाइवर्जेंस है, उस तरह से कुछ नई चीज़ पता हो जो आपको ना पता हो, या वाइस वर्सा. एंड सिमिलरली अगर आपने कोई चीज़, अगर आप एक्स चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप बोले आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस आइडियोलॉजी, देन यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट द अदर आइडियोलॉजी, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ डाई हार्ड फैन ऑफ एनीथिंग और एनीवन, यू आर कॉन्शियसली ब्लाइंडिंग योर सेल्फ एंड सेइंग कि मैं तो भेड़ बनूंगा और मैं भेड़ की तरह चलूंगा. और आई डोंट थिंक आप जैसे वाइज लोगों को जो भी सुन रहे हैं, यू शुड शट योर सेल्फ फ्रॉम एन अपोजिंग परस्पेक्टिव. दिस इज साइंस, दिस इज, आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ लाइफ सिस्टम्स एंड ऑल, दिस इज साइंस. साइंस में यू ऑलवेज लुक एट इसका क्रिटिकल फीडबैक क्या होगा, तभी तो पता लगेगा गलती क्या हो रही है. सो वी आर बिकमिंग एंड वी आर फॉलिंग टू दिस ट्रैप ऑफ सेइंग कि मैं तो एकदम डाई हार्ड फैन बन जाऊंगा और मुझे सुनना ही नहीं है इसके खिलाफ. जहां आपने ये कर दिया ना, फिर आपका जो विवेक है वो समाप्त हो जाता है. तो इसलिए अगर, और उसका अगर आप कर चुके हैं ये तो, और बहुत लोग कर चुके हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है आप जाइए और सारे लोग जिनको अनब्लॉक किया है आपने, ब्लॉक किया है उनको अनब्लॉक करिए. सारे वो चैनल जो आपने इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया, उनको सुनिए. तब तो आपके पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव है. हाँ होते हैं, मुद्दे पे होंगे, ऐसे रिजॉल्व होते हैं. आप डेटा की बात करो, आपको, आप किस डेटा से बात कर रहे हो, मैं किस डेटा से बात कर रहा हूँ, आप किस एल्गोरिथम को लगा रहे हो, मैं किस एल्गोरिथम को लगा रहा हूँ. लाइफ इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड यार, यू नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैज टू बी अ मेथड. बॉटम लाइंस हैं अगर आपके क्लियर तो, हाँ आपके पिलर्स क्लियर होने चाहिए ना, पिलर ही नहीं पता है तो फाइट है ना. तो पिलर बहुत सिंपल है, लाइफ इज वेरी सिंपल. आपको लगता है कि लाइफ में कंपैशन फॉलो करना बहुत आसान होता है, आपको एल्गोरिथम बना लो कि अगर मेरे से किसी से डिसएग्रीमेंट है तो पहली चीज पूछूंगा डेटा क्या पता है तुम्हें और मुझे क्या पता है, और आपने उस डेटा से प्रोसेसिंग क्या करी और मैंने क्या करी. और हो सकता है कभी कभी पर्सनल बायसेस होते हैं, उसके लिव्ड एक्सपीरियंस होगा ऐसा, तो इमोशंस उसके टेक ओवर कर ले रहे हैं. तो ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिग्डाला जो आपके इमोशंस गाइड करता है, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बाहर वाला, ये आपके लॉजिक गाइड करता है. लेकिन इसमें खून पहले जाता है, इसमें बाद में जाता है. तो लोग इमोशनल पहले होते हैं और लॉजिकल बाद में होते हैं, और इमोशंस ड्राइव होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. तो मे बी कोई एक्सपीरियंस होगा उसका, हो सकता है आपको बताए भी ना. तो एट सम पॉइंट ऐसे मे बी देयर इज समथिंग व्हिच ही इज गॉन थ्रू, और शी इज गॉन थ्रू, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग. सो 2012 में कलाम सेंटर की शुरुआत हुई, 2015 में पूरे देश के लिए काफ़ी व्यथा में थे सब लोग, बहुत सारे लोग थे उनके सारे एडमायरर्स, जब देहांत हुआ डॉक्टर EPJ अब्दुल कलाम का. उसके बाद जाहिर सी बात है, उसके पहले एक्टिव लाइफस्टाइल थी, उस दिन भी एक डिस्कोर्स इंटरेक्शन, डिस्कोर्स नहीं बोलना चाहूँगा मैं डॉक्टर कलाम के साथ, एक इंटरेक्शन चल रहा था. तो उसके बाद आपके लिए जिन प्रोजेक्ट्स पे आप लोग साथ कलाम सेंटर में काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो 2015 के बाद फिर या इस पूरे मतलब कैसा था फिर वो, आई एम श्योर यू वुड एट टाइम्स वॉन्ट टू हैव हिज ओपिनियन एंड आई मीन ओनली इफ यू वॉन्ट टू शेयर लाइक वॉज इट ठीक है दिस इज द वर्क एंड आई मीन एक पैरा, ये एक स्ट्रक्चर सेट हो चुका है हर काम का, क्योंकि शायद इसी तरीके से साइंटिफिकली अप्रोच कर रहे थे हर प्रॉब्लम को कि इस प्रॉब्लम के ये सोल्यूशन है, ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, तो उस बेसिस पे काम कर रहे थे मोडस ऑपरेंडी या फिर
I'm sure feel hota hoga ki, I mean, he would have been here, what would have thought or something like that. See, the thing is that he had clarity of what he wants to do. Mm. And he had expressed it quite vividly many places. So, I think the easiest thing to do was to say that jo bhi unfulfilled mission Dr. Kalam ko lagte the, jo unhone express kiye the ki mujhe ye karna tha aur main nahi kar pa raha hu usko abhi ya baad mein karta hu usko ya abhi karunga main usko, aap wahan se shuru karo. So, his one of the things was he wanted every student to have access to a library. Mm-hmm. So, he started off with a library which is called Kalam Library. Mm-hmm. So, some of the things were well stated. Mm-hmm. Some of the things were projections. Ki Dr. Kalam, what did he stood for? So, the first thing we did was the library project, because that is the, I mean, even on the very last day he was talking about this fact ki bachchon ko agar library ka access ho, 5 books bhi hona, to ek aadat ban jati hai. Main aapko computer de dun to aap कुछ नहीं करोगे तो सीख ही लोगे कंप्यूटर, मतलब मे बी एक महीने में भी, 5 महीने में खुद से ही सीख लोगे. अगर किताबों की संगत रहेगी तो आप किताब पढ़ ही लोगे, कुछ तो पलटोगे. तो ही वॉज सेइंग दैट दिस इज समथिंग वी शुड डू. सो वी स्टार्टेड विद दैट. वी देन मूव्ड इनटू हिज आइकन वॉज गवर्नेंस विद ट्रांसपेरेंसी. सो हमने गवर्नेंस पे बहुत काम किया. टेक्नोलॉजी वॉज इज पार्ट. सो आज भी हम टेक्नोलॉजी में क्या किया जा सकता है, दैट हैज़ बीन आवर फोरे, कि हम टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में कैसे लगाएं, हम कुछ अच्छी चीज़ कैसे करें, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लो कॉस्ट एजुकेशन लोगों तक लेके जाएं, हाई क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक लेके जाएं, और ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करें और क्रॉस पॉलिनेट करें गवर्नेंस में जिन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई. सो दैट समथिंग विच वी डू थ्रू आर गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो हम करते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच वी बीन डूइंग इन एजुकेशन, गवर्नेंस, and of course the library project, which is again entirely an education project. And how do we engage younger people to do it? Because one thing Dr. Kalam used to say is that the ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. So basically his idea was ki bhai jo yuva man hai, so agar wo tejasvi hai, agar usme ideas hain, agar acche acche sapne hain, aashaye hain, aur unke paas obviously kaam karne ke liye shakti bhi hai, aur agar unke samay bhi hai, क्योंकि वो लंबा चढ़ेंगे, लंबे रेस के घोड़े हैं. सो अगर हम उनके साथ काम कर सके तो उनके उनका कैरेक्टर में निश्चलता होती है, है ना. वर्ल्डी वेज ने उनके अंदर भेदभाव, उनके अंदर एरोगेंस, उनके अंदर लालच नहीं भर दिया होता है. तो वी वर्क विद देम. और जब आप लोग ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप लोग ये ऑपरेशंस, द ऑपरेशन साइड ऑफ इट, तो क्या उनके होते हुए और उनके फिजिकली ना होने से क्या कभी कोई ऐसा अंतर महसूस हुआ कि इट्स स्लाइटली मोर चैलेंजिंग बिकॉज द इन्फ्लुएंस इज मिसिंग और द मतलब नो समथिंग. सी व्हेन ही वाज देयर ही वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. तो आपको कुछ ऐसा ज़्यादा करने का ना तो समय है और ना ही स्कोप है, ना ज़रूरत है, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. डॉक्टर कलाम जब थे तो देखो डॉक्टर कलाम किसके थे, किसी धर्म के थे, नहीं थे, किसी पार्टी के थे, नहीं थे, किसी पंथ के थे, नहीं थे, किसी रीजन के भी नहीं थे. ये भी नहीं कह सकते आपके वो साउथ इंडियन थे, वो भी नहीं थे. वो तो मतलब ही वॉज, ही स्पेंट हिज टाइम ऑल ओवर द कंट्री एंड विद ऑल काइंड ऑफ पीपल. सो उसके एक फ़ायदा भी होता है और एक उसका चैलेंज भी होता है, बिकॉज देन नोबडी कैन टेक ओनरशिप ऑन हिम, ठीक है. बट एट द सेम टाइम everybody can be a part of him. So I think sabse bade stakeholder jo humne observe kiya when Dr. Kalam passed away was as what we had expected. It is the people, mostly the younger people, jinhone bachpan mein unki kitabein padhi, kafi lecture sun liya YouTube pe, ya unke school gaye kabhi because he was going so many places, ya kabhi TV pe dekha, matlab aise log. Aur aaj bhi unhi logon ke man mein, unhi logon ke hriday mein, unhi logon ke कार्य में डॉक्टर कलाम जीवित हैं. सो उनके उनके शरीर त्यागने से उनके विचार नहीं समाप्त होते, और कहीं कहीं उनके विचार बहुत सारे शरीरों में चले जाते हैं. सो ये सोचना कि उनके जाने से उनके मिशन मुश्किल हो गए, चुनौती है. किसी के जाने से उसके मिशन थोड़े तो चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे, बट यदि वो मिशन इतने बड़े हों कि वो व्यक्ति से बढ़कर व्यक्तित्व तक पहुंच गए हो, तो वो एक पॉलिनेशन का काम करके दूसरों के हाथों में, दूसरों के बातों में, दूसरों के मन में जीवित रहते हैं. सो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर कलाम जब थे तब उन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर कर दिया था.
और इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स सो मेनी पीपल. छोटे छोटे कॉलेजेस में मैं देखता हूँ कलाम क्लब खुले हुए हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जुड़े हुए हैं, इट्स ओके, बट वो कुछ तो कर रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं, अपनी समझ बूझ और अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर कलाम का कोई बहुत बड़ा कोई फंड है नहीं, कोई कलाम बैंक तो है नहीं कि पैसे मिलेंगे आपको ये काम करने के, खुद जुटाना पड़ते हैं. डॉक्टर कलाम के नाम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आपको वॉलंटियर एक ना देने वाली है ना, ना आपको कोई धर्म देने वाला. सो आप क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको? कोई आपको एडमिशन भी कहीं नहीं मिल जाएगा कि आपको कोई बड़ा कॉलेज एडमिशन दे देगा इसके लिए. कोई कलाम कॉलेज तो है नहीं कि अमेरिका में बहुत बड़ा कलाम कॉलेज है, कुछ नहीं है. क्यों कर रहे हो आप? आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप करना चाहते हो, और ऐसे फोर्सेस पावरफुल होते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ व्हाट डॉक्टर कलाम शुड बी. तो आपकी सवाल का जवाब देना अगर मैं नटशेल में दूं तो, है ना, समझ गए ना आप चुनाव. खैर एनीवेज, 2015 एंड द होल जर्नी कंटिन्यूज, एंड देन आई रीड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम दैट यू पोस्ट व्हिच इज फ्यूचर इज फास्टर देन यू. That's what we strive to teach at Homi Labs. ये Homi Labs का concept, I'm sure कि जो problem Homi Labs solve करने की कोशिश कर रहा है या bridge बनने की कोशिश कर रहा है, if I can say that, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक grasp और उसका एक observation hold तो हो रहा होगा. फिर ये Homi Labs का why was it required और कैसे ये Homi Labs, how did it, you know, start? Homi Lab की शुरुआत 2015 में एक किताब लिखी थी डॉक्टर कलाम और मैंने, जिसका शीर्षक था Reignited. Reignited was supposed to be the sequel of Ignited Mind, पर थोड़ी किताब में फ्लेवर अलग था. किताब का जो ध्येय था, जो मकसद था, वो ये था कि हम बच्चों को भविष्य के बारे में पढ़ाएं और भविष्य की पढ़ाई से हम उनको प्रेरित करें कि आप वर्तमान में जो चीज़ें थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो पढ़ो. तो क्या हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाएं बच्चों को तो क्या उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आ सकता है? क्या हम बच्चों को अगर स्पेस साइंटिस्ट कैसे बनना है या एस्ट्रोनॉट कैसे बनना है अगर हम पढ़ाएं तो क्या हम उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा सकते हैं? तो कैन वी, सो हम बहुत सारी चीज़ें ना पीछे देख के पढ़ाते हैं. इसने ये कहा, उसने वो बनाया, इसने ये थ्योरी लिखी, इसकी ये इक्वेशन है, ये है वो, विच इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट इन सब में हम जो चीज़ नहीं पढ़ाते हैं वो ये है कि होने क्या वाला है, है ना. जो हो चुका है वो इम्पॉर्टेंट है, इतिहास इम्पॉर्टेंट है भविष्य बनाने के लिए. बट एक बड़ी अच्छी सी कविता थी, किसकी थी याद नहीं आ रहा है, बट कहती है कि जीर्ण शीर्ण का मोह नहीं, इतिहास से उतना ही लो जितना है पोषक, जीर्ण शीर्ण का मोह है मृत्यु का द्योतक. ठीक है, आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर की पोएम थी इतने ऊँचे उठो, पोएम का शीर्षक याद है, राइटर नहीं याद है मुझे, पोएट नहीं याद है. सो बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हमें लगता है कि मतलब हमारी पूरी टीम को लगता है कि Homi Lab के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम भविष्य को पढ़ा रहे हैं. किनको पढ़ा रहे हैं? जिनको भविष्य बनाना है. अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई बता देता जब मैं क्लास टेंथ में था कि एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं तो शायद मैं एस्ट्रोनॉट बन जाता. और मुझे लगता है कि आज अगर मैं क्लास एट्थ में किसी बच्चे को बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे बनाना है, जितना भी पता है हमें, और जो आज से 20 साल बाद पूरी दुनिया बदल देगा, तो शायद वही बनाएगा. अगर हम बच्चों को पढ़ाएं कि मंगल ग्रह पे रहना के लिए घर कैसे बनाने हैं, तो शायद जो आर्किटेक्ट बनेगा वो मार्स का आर्किटेक्ट बनेगा. तो हम फ्यूचर को पढ़ा रहे हैं. और मुझे लगता है कि जब फ्यूचर पढ़ाते हो आप ना, तो दो चीज़ें होती हैं. एक तो आप एक बेहतर कल बनाने के लिए आपके हुनर आ जाता है, हाथों में हुनर आ जाता है. दूसरा, मन में एक विचार आता है कि यार ये कर सकते हैं, ये हमें होना है. अगर हमें ये होना है तो ये वर्तमान की जो नॉइज़ है ना, भेदभाव की, अलगाववाद की, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ये राजनीति, ये जो भी हो रहा है दुनिया में, आप उससे विरत हो जाते हो, आप अलग हो जाते हो, आप डिग्रेशन छोड़ देते हो, बिकॉज आपका लक्ष्य क्लियर होता है. मेरे को ये बड़ा लक्ष्य है, मेरे को मार्स पे जाने वाला पहला इंसान बनना है, अब ये मेरा लक्ष्य है. बाकी सारी चीज़ें तो यूजलेस हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए मुझे फोकस है, मुझे पॉल्यूशन सॉल्व करना है दुनिया में. मैं ऐसी सेक्वेस्टरिंग डिवाइस बनाऊंगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन पूरा निकल जाएगा. मैं एक आर्टिफिशियल पेड़ बना दूंगा, जो बना रहे जा रहा है बाय द वे. अगर बच्चे ऐसी चीज़ बनाने के लिए मैं कहूँ मैं पोल्यूशन ही सॉल्व कर दूंगा दुनिया का, तो मेरे लिए छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस डोंट मैटर एनीमोर बिकॉज आई हैव गॉट अ बिगर पर्पस. हम बच्चों को उल्टा सिखा देते हैं. हम पहले तो सिखाते हैं इतिहास के बारे में, चलो वो भी ठीक है, चलता है. फिर हम दिखा देते हैं कि इस पैमाने पर ये 6 सब्जेक्ट हैं, इनका एवरेज निकाल लो
और इस एवरेज में जो टॉपर होगा वो क्लास का टॉपर हो जाता है. तो एवरेज मैक्सिमाइजेशन इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन. बट हमें तो पता है कि एवरेज आदमी अच्छी बात है, बट एवरेज को मैक्सिमाइज करने से एक्सेलेंस नहीं आता. सो वी हैव टू फिगर आउट एवरी चाइल्ड इज गुड विद समथिंग. That's what we teach. We are still nascent. हम स्कूल में प्रोग्राम्स कर चुके हैं. हम वैसे तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में है हम उसके साथ भी प्रोग्राम करते हैं. इसमें हम बच्चों को उसमें जो कैमरे लगे हैं उनको कैसे ऑपरेट करना है ये सिखाते हैं. वो धरती की फोटो खींचते हैं. बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे. मैंने होमी लैब्स का वेबसाइट चेक किया और वो भी जाके चेक कर सकते हैं. यू नो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड. एंड देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स देयर स्टेप्स. If you can, you know, speak to the students in school. Oh, so Homi Lab currently teaches you things like how to be an astronaut, how to be a time traveler. अब समय में अगर आपको travel करना है तो आप कर सकते हो. थोड़ा समय लगेगा वो कर लेने में, लेकिन maybe you will be the first person who will crack the code of time travel. And it can be done. What I'm saying is that ये doable है. क्या हमारी species कर पाएगी ये आप पे निर्भर करता है. लेकिन अगर आप सब चीज़ें जान जाओ कि time travel हो कैसे सकता है तो शायद आप कर भी पाओगे. एस्ट्रोनॉट कैसे बनना है जान तो लो. आप जो भी बनना चाहते हो सकता है आप से कुछ लोग एस्ट्रोनॉट बनी जाए और बहुत संभव है कि बनोगे. हो सकता है मंगल ग्रह में रहने वाले प्रथम व्यक्तियों की लिस्ट में आपका नाम हो. हो सकता है जब हम मून पे बेस बनाएंगे जो हम अगले 20 साल में बनाने वाले हैं तो हो सकता है आपको जाने का वहाँ मौका मिले. लेकिन ये सब करने के लिए आपको जानना तो पड़ेगा कि ये भी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है कि ये भी हो सकता है. तो सोचो आप क्या क्या कर सकते हो. हम ऐसी वैक्सीन बनाने की क्यों नहीं बात करते जो सारे वायरसेस को मार देगी. यूनिवर्सल वैक्सीन कैन बी डन. डूएबल है. इट्स डूएबल. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं करते कि हम यदि कोई व्यक्ति का ऑर्गन खराब हो जाए कोई, जैसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लिवर सिरोसिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी खराब हो गई, वाई डोंट वी सिंपली क्रिएट और हम बना रहे हैं डीएनए की इंक को यूज़ करके हम ऑर्गन प्रिंटर्स बना लें और उन ऑर्गन प्रिंटर्स को जो ऑर्गन खराब हो उसको रिप्लेस कर दें. इंसान जो अभी हम औसत आयु 75 साल के करीब 78 साल के करीब है वो शायद 100-150 साल पहुंच जाए. कर सकते हैं. और आप वो व्यक्ति हो सकते हो जो इसको संभव बनाएगा. ये आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा. इट डजंट मैटर कि क्लास में आदमी फर्स्ट स्टैंड करता है या 10th आता है या 50th आता है. एक्सीलेंस सब में है. आप उस चीज़ को परस्यू तो करो. सो दैट इज़ वॉट होमी लैब स्टैंड्स फॉर. ऑफकोर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जो जिस कॉन्टेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्टेंट पढ़ाने वाले लोग नहीं है. और जो हैं वो बच्चों को एक्सप्रेस कैसे करें ये मुश्किल हो जाता है. क्योंकि कंटेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है उसमें. उसको इस लेवल तक लाना बहुत आवश्यक है लेकिन उसमें उसकी क्वालिटी भी हाई रहनी चाहिए. सो वी आर ऑब्वियसली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग लैब्स फॉर इट. सो वी आर क्रिएटिंग लेबोरेटरीज ऑफ अ काइंड जो स्कूल स्टूडेंट्स कैन वर्क इन अ नैनो टेक्नोलॉजी लैब फॉर इंस्टेंस. अब नैनो टेक्नोलॉजी लैब तो भारत में बहुत कम जगह है, दुनिया में ही बहुत कम जगह है, बट उसको हम वर्चुअली ला सकते हैं. सो वी आर डूइंग दैट. सो होमी लैब स्टैंड्स फॉर ऑल दैट. सो इट्स अ वी आर क्रिएटिंग अ मार्स लैब. मंगल ग्रह पे कैसा होगा उसका पूरा आपका सेटलमेंट ही बना देंगे. सिमुलेशन या गेमिफाइड सिमुलेशन. इट्स दैट्स व्हाट इट इज. इट्स बेसिकली एन ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी थिंग. सो एक सवाल मेरे मन में और है और वो आपके पर्सनल मतलब चॉइस है लाइफ से. वो ये है कि एक कोरा के आंसर में आपने ये लिखा है कि किसी ने आपसे पूछा था इफ़ यू वेयर टू डाई टुमारो एंड यू सेड दैट आई वुड लाइक टू टेक माय मदर टू ज्यूरिक फॉर सम रीजन. अकम्प्लिश्ड. या शी डजंट शी इज वेरी बिजी. प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड. द प्रॉब्लम इज शी इज सो बिजी आई कांट फाइंड हर टाइम टू टेक हर समवेयर. But yeah, back then I was visiting Zurich and I really liked it. Uh-huh. And I think she'll like it too. But then फिर ये COVID हो गया ना. तो आजकल तो जाना भी मुश्किल है. But totally worth it. Great place. But yeah, I have already taken to a few places. Uh-huh. Not to Zurich, but many other places. But then I need at least a week of her time. वो बड़ा मुश्किल है. She's in government. तो काम में इतनी लगी रहती हैं कि as of now, she is the information commissioner of Uttar Pradesh. So, उनके पास समय नहीं है. तो हम क्या करें. हम वीकेंड को तो नहीं जा सकते ना. Zurich can't be done on a weekend. So, we'll have to figure out something when she has to give me some time. But yeah, we'll do it. बताइए. So, that brings us to the
conclusion. Right. Done. Chaliye, thank you. Wonderful. And have I wish your channel and all your viewers and you and your family the very best wishes from my side. I understand this is your beginning. And but then remember what Neil Armstrong said when he landed on moon. One small step for man, one giant leap for mankind. Absolutely. So I hope this becomes a giant leap, not just for you and your career and your dreams. It's actually for the purpose. Yeah, and those who are watching, may you all be inspired through this channel. And I look forward to seeing, you know, your channel grow.